श्री बद्रीनाथ धाम और श्री केदारपुरी। सभी भक्तों को हर हर महादेव, जय श्री शंकर। आपका फिर से स्वागत है केदारनाथ की एक और न्यू वीडियो में। और हम जो आप जगह दिखा रहे हैं, ये विकास कार्य हैं जो यहाँ पर आजकल चल रहे हैं। ये बिल्डिंगें बन रही हैं यहाँ पर केदारनाथ। आप जैसे ही केदारनाथ मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं तो राइट हैंड पर ये जगह पड़ती है जहाँ पर आपको दर्शन होते हैं मंदाकिनी नदी के, और उसके ही पास बना हुआ है यह भैरव जी का मंदिर, जिनके दर्शन के लिए लोग अक्सर जाते हैं। और यह सब यहाँ पर विकास कार्यों को जायजा विकास कार्यों को देखने के लिए आए हुए हैं भारत के सबसे प्रभावशाली मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। उनका भी आपको हम भाषण सुनवाएंगे, उन्होंने क्या कहा है हमारे इन दो धामों के बारे में, बद्रीनाथ और केदारनाथ जी के बारे में। और आप यहाँ पर देख सकते हैं योगी जी ने यहाँ पहुँचकर सबसे पहले पूजा की है नंदी महाराज की। यह देखकर बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे देश की राजनीति भी हमारे सनातन धर्म को बढ़ावा देती है। और आइए सुनवाते हैं योगी जी ने क्या कहा इन दो धामों के बारे में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। हर हर महादेव, जय श्री शंकर। श्री बद्रीनाथ धाम और श्री केदारपुरी के इन पवित्र तीर्थों का दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। बद्रीनाथ धाम अपने नव निर्माण की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और केदारपुरी हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र ज्योतिर्लिंग। पूरा देश और पूरी दुनिया में जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी रहते हैं, वे सभी बड़ी आस्था के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ इन पवित्र तीर्थों का दर्शन करने के लिए उतावला रहता है। सन 2013 में एक त्रासदी के कारण केदारपुरी एक आपदा की चपेट में लगभग आ चुका था, लेकिन स्थानीय लोगों के आत्मविश्वास, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के दृढ़ संकल्प और उनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड के हमारे दोनों ये पवित्र तीर्थ धाम एक नई आभा के साथ नए भारत की एक नई तस्वीर को प्रस्तुत कर रहे हैं।